दोस्तों एक बार नए ब्लॉगिंग में आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको ले चलते हैं ECL का जो कि स्ट्रीन कोलफील्ड लिमिटेड होते हैं जो कि कोल माइंस में ECL कंपनी होती है जहां पे कोयला निकाला जाता है और ECL का कंपनी होता है स्ट्रीन कोलफील्ड लिमिटेड इसका फुल फॉर्म हुआ। तो इसमें जो लोग जो मजदूर हैं जो काम करते हैं जो मैनेजर हैं जो काम करते हैं वहां पे जिनका जॉब होता है उनको किस तरीके का क्वार्टर दिया जाता है जिसमें से तीन क्वार्टर होते हैं ए टाइप बी टाइप सी टाइप जिसमें से हम आज आपको जो है बी टाइप आपको घुमाएंगे कि बी टाइप क्वार्टर जो मिलता है कंपनी के द्वारा वो किस तरीके से होता है उसमें क्या क्या सुविधाएं होती है क्वार्टर में और कैसे आप क्वार्टर में किस तरीके का माहौल होता है कैसे होता है क्वार्टर ये सब कुछ हम दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैं स्ट्रीन कोलफील्ड लिमिटेड के एरिया में हूँ और ये एरिया का दृश्य है जहाँ पे बहुत सारे क्वार्टर बने हुए हैं अगल बगल में बहुत सारे क्वार्टर हैं जिसमें से ए टाइप बी टाइप सी टाइप सारे क्वार्टर हैं। तो इसमें हम अभी आपको दिखाएंगे कि ए टाइप बी टाइप सी टाइप में कौन कौन सा क्वार्टर होता है और किस तरीके से होता है। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं वहाँ पे क्वार्टर और क्वार्टर दिखाते हैं कि सी टाइप क्वार्टर जो होता है वो किस तरीके से होता है सी टाइप में क्या क्या सुविधाएं होती है ये सब कुछ हम अभी आपको बताते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अंतिम तक देखिएगा। ये सामने लोकेशन आप देख सकते हैं कि इस तरीके से क्वार्टर मिलता है ये बी टाइप है जो कि आप देख सकते हैं फर्स्ट बिल्डिंग एंड सेकंड बिल्डिंग होते हैं और फर्स्ट बिल्डिंग में जो है इसमें काफी सारे लोग रहते हैं। इसमें जो मैनेजर लोगों के लिए ए टाइप होता है जो कि वो बंगला टाइप से होता है उसका भी वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ये बी टाइप है। सी टाइप में मजदूर लोगों के लिए होता है सिंगल सिंगल दिया जाता है नीचे में। ये बी टाइप में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से होते हैं जिसमें से इसमें दो रूम होते हैं एक बेडरूम होता है एक बरेंडा होता है और एक किचन बाथरूम और ये सारा कुछ रहता है। तो अभी हम आपको वहां भी ले चलते हैं और ये इसी तरीके से आपको जो सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर दिख रहा है यही डिजाइनिंग में आपको हर एक जगह क्वार्टर मिलेगा जो भी कंपनी का रहता है। कोल फील्ड में जितने भी क्वार्टर होते हैं इसी डिजाइन का बनाया जाता है। इसमें एक चीज है कि आप छत पे नहीं जा सकते हैं छत पे आप चढ़ नहीं सकते हैं और नीचे ही जो आपको करना है। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ और आगे दिखा जाने के लिए आपको इस तरीके से सीढ़ी मिलेगा जो कि लगा हुआ रहता है क्वार्टरों में और ये सीढ़ी के सहारे आप ऊपर जा सकते हैं। मैं अभी आपको ऊपर ले चलता हूँ रूम पे ले चलता हूँ ये देख सकते हैं कि आप मैं ऊपर जा रहा हूँ उधर जो आपको दिख रहा है वो सी टाइप क्वार्टर है जो कि सिंगल सिंगल करके दिया जाता है वेस्टर टाइप से वो ढलाई नहीं रहता है और ये ढलाई वाला है। तो इसमें भी हम आपको ले चलते हैं ये देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे रूम बने हुए हैं एक लाइन में लगभग 10 से 12 रूम होते हैं जो कि लगातार बने हुए होते हैं। ये पहला है आप देख सकते हैं ये पहला नंबर में है आगे और भी हैं। तो इसमें ज्यादा स्पेस नहीं रहता है ये जो सामने आपको नजर आ रहा है ये इतना ही गैलरी छोड़ा जाता है जिसमें आदमी जो है आना जाना करते हैं। एक इस साइड पे होता है सीढ़ी एक उस साइड पे होता है दोनों साइड पे दो सीढ़ियां होती हैं जहां पे लोग जो है उतरते हैं और इस तरीके से इसका जो है रहता है। नीचे वालों के लिए आप देख सकते हैं कि नीचे पार्किंग वगैरह रखने के लिए जगह होता है नीचे लोग रहते हैं तो अपना घेर लेते हैं जो गैलरी होता है वो थोड़ा बहुत और नीचे गाड़ी वगैरह रखने के लिए साधन है। ऊपर वाले लोगों के लिए गाड़ी वगैरह रखने के लिए साधन नहीं है क्योंकि वो जब रहते हैं ऊपर में जिनको क्वार्टर मिलता है वो नीचे ही अपना गाड़ी वगैरह रखते हैं तो पार्किंग का सुविधा ऊपर वालों के लिए नहीं है। और मैं अभी आपको अंदर ले चलता हूँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप का यहाँ पे जो है क्वार्टर बनाया गया है इस तरीके से क्वार्टर होता है। आपको हम अभी अंदर ले चलते हैं देख सकते हैं कि बी टाइप क्वार्टर में आप देख सकते हैं कि जो गेट मिलता है ये क्वार्टर है। क्वार्टर का गेट आप देख सकते हैं कि पहले जाली वाला लगा हुआ रहता है जाली वाले के बाद में फिर एक गेट होते हैं जिसे खोला जाता है और गेट के अंदर आपको हम ले चलते हैं और दिखाते हैं रूम कैसा रहता है यहाँ का और रूम में क्या क्या सुविधाएं मिलता है वो सब कुछ। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कि हम जो बी टाइप क्वार्टर है इसमें आ चुके हैं और मैन्युअली हम यहाँ पे आपको बेसिकली दिखाएंगे कि यहाँ का रूम कैसे होता है ECL का जो क्वार्टर दिया जाता है उसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती है ये सब कुछ हम बताएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं अभी रूम प्रवेश कर चुका हूँ। ये रूम है जो कि काफी बड़ा है अच्छा है मतलब लगभग काफी बड़ा है। इसमें आप एक पलंग वगैरह
यहाँ से आराम से लगा सकते हैं। ये सामने गेट पड़ता है जो कि एग्जिट होता है। मैंने बाहर का लोकेशन आपको दिखाया कि बाहर क्या क्या चीजें हैं, पेड़ पौधे, और बहुत ही शांतिपूर्ण है बाहर का माहौल। अगर आप देखें तो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। काफी लोग यहाँ पे रहते हैं जो जिनका जॉब है, जिनको जो एम्प्लॉय है ECL में, उन्हीं को ये क्वार्टर दिया जाता है, उन्हीं को गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है। और यहाँ पे भी जो ट्रेनिंग के कुछ जो ECL में ट्रेनिंग कर रहे हैं वो रहते हैं, स्टूडेंट है, तो उनसे भी हम अभी जानेंगे रूम के बारे में कि क्या क्या उनको सुविधाएं मिलती हैं और किस तरीके से रूम में रह रहे हैं। और ये रूम देख सकते हैं, ये रूम है और इसके जस्ट आप देख सकते हैं कि ये रूम है, और रूम के बगल में आप देख सकते हैं कि ये एक बरेंडा है, जहाँ पे इतना बड़ा बरेंडा मिलता है। और बरेंडा के बगल में यहाँ पे आप जो है लाइन के सहारे आप हीटर वगैरह लगा सकते हैं, जो भी हीटर आपको लगाना हो। आप देख सकते हैं यहाँ हीटर का भी सुविधा है, तो हीटर बिल्कुल भी फ्री है, फ्री में आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि कोई पैसा नहीं लगेगा बिजली बिल के लिए, और लाइट वगैरह लगा सकते हैं। सामने की बात करें तो जस्ट ये रूम आप प्रवेश करेंगे तो एक यहाँ पे किचन मिलता है। इसे बहुत लोगों ने किचन भी बनाते हैं, बहुत लोग इसको पूजा रूम भी बना लेते हैं और बाहर में किचन रखते हैं। तो फिलहाल ये रूम में तो यहाँ पे किचन बनाया गया है, तो ये किचन है, देख सकते हैं यहाँ पे रेखा वगैरह सब कुछ लगाया गया है, और बगल में देख सकते हैं टाइल्स मार्बल सब कुछ है। मतलब अच्छा सुविधा है, बहुत ही अच्छी तरीके से दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं बेसिन का भी सुविधा है, यहाँ आप इंडक्शन वगैरह लगा सकते हैं, टाइल्स बिल्कुल भी लगाया गया है, तो वैसा ये नहीं है। और ये सामने देख सकते हैं, इसे बहुत लोग पूजा रूम भी बना देते हैं, तो फिलहाल तो ये किचन है, तो किचन के लिए इसको उपयोग किया जाता है। और इसी के बगल में एक जो है एक और बेडरूम होता है, जो इस तरीके से बेडरूम है, ये बेडरूम है, इसमें भी हमको ले चलते हैं। ये बेडरूम का सुविधा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप पलंग वगैरह भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग का यहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं तो उन्हें ज्यादा दिन रहना नहीं होता है, 5 महीना 1 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो वो अपना जो है नीचे ही सोते हैं, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं, जो ज्यादा दिनों के लिए रहते हैं वो अपना जो है यहाँ पे पलंग वगैरह सब कुछ लगा लेते हैं। विंडो भी है, हर एक रूम में एक एक विंडो मिल जाएगा, जो कि बाहर का लोकेशन से रोशनी भी आएगा और हवा पानी भी आता है। इधर देख सकते हैं रेखा भी बनाया गया है, जिसमें रेखा के सहारे आप जो भी सामान रखना हो वो आप रख सकते हैं। तो अभी हम आपको और आगे ले चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं कुछ ट्रेनिंग का लड़का भी है, उनसे भी जानते हैं कि आपको क्या, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमन कुमार है। अमन जी, कैसा मतलब ECL के क्वार्टर में आप कितने दिनों से रह रहे हैं? अभी तो हाल ही फिलहाल में है, 2 महीना हुआ है। 2 महीना, कैसा लग रहा है? मतलब यहाँ सारा सुविधा मिल रहा है? मुझे तो अच्छा लगा ये रूम ECL में। और क्या क्या चीज है, मतलब यहाँ पे 2 रूम मिलता है, एक बरामदा मिलता है, दो रूम, एक बरामदा, एक बाथरूम, एक क्या नहाने के लिए रूम है, एक किचन रूम है, तो सारा सुविधा है। हमें पानी वगैरह का दिक्कत नहीं होता? पानी का दिक्कत नहीं है, नहीं, कभी कभार होता है। कभी कभार पानी का दिक्कत होता है, लेकिन पानी का दिक्कत नहीं होता है, एक दो दिन के लिए कभी कभार हो जाता है। तो जो माहौल है यहाँ का वो शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण, पढ़ने लायक है, पढ़ने, अगर आप पढ़ने के लिए भी आ रहे हैं तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अच्छा लगा यहाँ पे पढ़ने के लिए, भी शांति लगता है। और कोई सुधार की आवश्यकता है ECL कंपनी के द्वारा? आप कह सकते हैं कि कुछ सुधार इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए क्वार्टर में, ऐसा कुछ आपके नजरिए से इतने दिन से रह रहे हैं, कुछ ऐसा सुधार का आवश्यकता है यहाँ पे? सुधार के लिए तो थोड़ा सा बस ये रूम का जो कंडीशन जो है सही नहीं है, थोड़ा रिपेयरिंग होता बीच बीच में तो अच्छा लगता है। रिपेयरिंग तो होता है, फर्स्ट भी जैसे तैसे भी है, ECL के द्वारा रिपेयरिंग तो होता है बीच बीच में, लगता है ये रूम में नहीं हुआ बहुत दिन से नहीं हुआ। और ट्रेनिंग वाला तो कुछ बोल नहीं, जैसे कुछ बोल नहीं, इम्प्लॉय वाला जो रहता है वो तो करवा भी लेता, वो करवा हम लोग को ज्यादा दिन रहना भी नहीं है, ज्यादा दिन रहना रहता तो फिर लोग उपाय लगाते हैं कुछ। तो आप कितने दिन से रह रहे हैं यहाँ? हम तो यहाँ पे 1 महीना हो गया। 1 महीना हुआ है ECL के द्वारा आपको क्वार्टर मिला है? हाँ, ECL के द्वारा। तो ECL के द्वारा इनको क्वार्टर मिला है फिलहाल। और जो बेसिकली जो यहाँ पे जिनका जॉब होता है, जो एम्प्लॉय है, उन्हीं को मिलता है ये क्वार्टर, और बहुत ही अच्छा कंडीशन में होता है। हालांकि इसे भी इम्प्रूवमेंट किया गया है, आप देख सकते हैं ऊपर जो है पेंटिंग वगैरह किया गया है, बीच बीच में जो है रिपेयरिंग का काम ECL के द्वारा चलते ही रहता है, जो भी आपको सुविधाजनक लगे वो यहाँ पे होता है। एक और साथी है, उनसे भी जानते हैं कि क्या क्या बोलना चाहते हैं और रूम के। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा कुमार मंडल। कितने दिन से आप रह रहे हैं क्वार्टर में? 2 मंथ से। 2 मंथ से, कैसा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और घर और क्वार्टर पता ही नहीं चलता ये घर है कि क्वार्टर है। मतलब माहौल बहुत अच्छा है? माहौल बहुत अच्छा है, 24 आवर पानी आता है, बिजली भी 24 आवर है। कभी कभी कट जाता है? कभी कभार, मतलब 5-10 मिनट के लिए कट जाता है, लेकिन और चीज बहुत अच्छा है। हीटर वगैरह आप चलाते होंगे? खाना तो हीटर से ही बनाते हो? हीटर, इंडक्शन, 2-3 हीटर भी यूज कर सकते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है?
बिजली बिल वगैरह का कोई लफड़ा नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। घर जैसा माहौल आपको मिल रहा है? घर जैसा ही लग रहा है, पता ही नहीं चलता है कि घर है कि क्वार्टर है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है। और कुछ इम्प्रूवमेंट होने का जरूरत है इसीएल के द्वारा, रूम में क्वार्टर में कुछ? मतलब कुछ दिक्कत होता है तो हमें मतलब तुरंत रिपेयरिंग ये सब मतलब टाइम लग जाता है, ये सब थोड़ा जल्दी होना चाहिए, रिपेयरिंग वगैरह जल्दी होना चाहिए। ये कौन सा टाइप क्वार्टर है? ये बी टाइप का क्वार्टर है। और कितने टाइप के होते हैं क्वार्टर? तीन, थ्री क्वार्टर तो थ्री टाइप का होता है। ए टाइप में कौन कौन होते हैं? ए टाइप किनको मिलता है? ए टाइप तो ये बड़े बड़े मतलब ऑफिसर लोग को दिया जाता है। और बी टाइप? बी टाइप तो नॉर्मल सरदार अपार्टमेंट ये सब। अच्छा, सी टाइप मजदूर लोग? हाँ मतलब मजदूर दोनों यूज कर सकते हैं। अच्छा, एम्प्लॉय के लिए भी और वर्कर लोग भी कोई कोई रखते हैं। तो ये था, ये है बी टाइप, जो कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि बी टाइप में कैसे लोग रहते हैं। और मैंने दिखाने का कोशिश किया कि इस तरीके से स्टूडेंट लाइफ जो है, अगर वो ट्रेनिंग पीरियड में आ रहे हैं तो इस तरीके से रहते हैं। हालांकि ज्यादातर यहाँ जो है, जो एम्प्लॉय हैं जिनका जॉब है वही लोग रहते हैं, उन्हीं को मिलता है एक क्वार्टर। और ECL के द्वारा दिया जाता है, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, तीन टाइप का होता है। मैंने पहले भी बताया कि थ्री टाइप का क्वार्टर होते हैं, जिसमें से ये बी टाइप है। आपको हम ए टाइप भी ले चलेंगे, जो मैनेजर लोगों के लिए होते हैं, उच्च अधिकारी के जो लोग होते हैं उनको दिया जाता है। बी टाइप में जो रहते हैं माइनिंग सरदार हो गए हैं या फिर जो ओवरमैन है, इन सभी को दिया जाता है। और सी टाइप में मजदूर लोग और भी लोग रहते हैं, उनको सिंगल सिंगल दिया जाता है। अल्बेस्टर का होता है, नीचे होता है, नीचे फ्लोर में। ये सेकेंड फ्लोर का मैंने आपको दृश्य दिखाया, जो कि सेकेंड फ्लोर में ये क्वार्टर है। और अभी हम आपको वॉशरूम भी ले चलते हैं, वॉशरूम भी दिखाते हैं। ये देख सकते हैं कि ये वॉशरूम का सुविधा रहता है, जहाँ पे एक छोटा सा बालकोनी है। ये बालकोनी है छोटा सा, इसी में आप बाहर निकल सकते हैं, हवा पानी ले सकते हैं। यहाँ पे पर्दे वगैरह जो है वो भी लगा सकते हैं, ताकि। और ये बाहर एक बेसिन लगा हुआ रहता है। ये वॉशरूम है, ये नहाने के लिए है। इसमें एक सारा भी लगा हुआ है, जिसमें पानी वगैरह भर के आप नहा सकते हैं, हमेशा स्टोर रहेगा। और ये बाथरूम की बात करें तो बाथरूम भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है, टाइल्स मार्बल लगाया गया है। और ये सामने से जो है ये लाइन आता है पानी का, जो कि 24 घंटा आपका पानी इसमें आते ही रहेगा, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बाहर की लोकेशन की बात करें तो बाहर जस्ट आपको इसी तरीके से हर एक क्वार्टर मिल जाएगा। ये देख सकते हैं वो भी सेकंड फ्लोर है, जो कि वही बी टाइप है। इधर भी बी टाइप है, पूरा बी टाइप का जो है बनाया गया है। ये सामने देख सकते हैं जो अगले हैं वो है नीचे का लोकेशन में, इस तरीके से रहते हैं, जिनको थोड़ा ज्यादा स्पेस मिलता है नीचे में रहने वालों के लिए, तो उसमें वो गाड़ी वगैरह भी रख सकते हैं, पीछे में बालकोनी बना देते हैं वो अपना। और ये सामने जो ऊपर है, यहाँ पे टंकी होता है जिससे पानी आता है। पानी 24 घंटा TVC सप्लाई होता है, जो कि माइथन डैम से होता है, और 24 घंटा आपको पानी मिलेगा। पानी का कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही रेयर केस पे पानी रुकता है। और ये सामने जो देख सकते हैं वो छत है, छत पे हालांकि चढ़ने के लिए कोई वो नहीं है, सीढ़ी वगैरह नहीं लगाया गया, चूंकि छत पे कोई चढ़ते नहीं है। कभी काम हुआ तो ECL के द्वारा मैनेजमेंट जो है वो आते हैं, और उसी के द्वारा जो है लोग चढ़ते हैं और सॉल्यूशन करते हैं कुछ भी प्रॉब्लम होता है। तो मेन ये है क्वार्टर, जो कि एक बरेंडा मिलता है, एक आपका सामने रूम है जो कि दरवाजा रहेगा, बाहर निकल सकते हैं, एक बेडरूम है जो कि इस पे एक विंडो लगा हुआ है, विंडो दोनों रूम में मिलेगा। ये सामने जो है वो किचन है। तो ये चीजें था जिसमें आप यहाँ हीटर वगैरह सब कुछ चला सकते हैं और रह सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन था जो मैंने काफी लोगों ने बोला था कि आप क्वार्टर का वीडियो बनाएं, तो मैंने क्वार्टर का वीडियो आपको दिखाने का कोशिश किया बी टाइप का, कि किस तरीके से होता है। तो आशा है कि इस वीडियो में आपने कुछ समझा होगा और देखा होगा किस तरीके से लोग रहते हैं, ECL को जो इम्प्लॉय है वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।